हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल बॉडी सिमेट्री। एनिमल बॉडी सिमेट्री। अब पहली चीज ये होती कि सिमेट्री है क्या। किसी भी एनिमल को हम कितने एंगल सेंटर से लेकर कितने एंगल में डिवाइड कर सकते हैं और सारे पार्ट्स में कितने पार्ट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे, वही चीज क्या कहलाती है, एनिमल की बॉडी सिमेट्री कहलाती है। यानी सेंट्रल एक्सिस को मानते हुए बॉडी पार्ट्स को दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड करने पर जो इक्वल पार्ट्स निकलते हैं वही चीज क्या कहलाती है, बॉडी सिमेट्री कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब हम किसी एनिमल बॉडी को दो या उससे अधिक भागों में इक्वली डिवाइड कर देते हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, एनिमल बॉडी सिमेट्री कहलाती है। जो बॉडी सिमेट्री होती है बेसिकली चार टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, चार टाइप्स की। पहली जो टाइप्स होती है इसे हम कहते हैं एसिमेट्री। एसिमेट्री, ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी जो सिमेट्री हो वो कंप्लीटली पाई ना जाए, अर्थात सिमेट्री क्लियर ना हो। यानी एनिमल्स को किसी भी एंगल से अगर हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या हो, कोई भी दो पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है वो चीज क्या कहलाती है, ए सिमेट्री। ऐसा उन जंतुओं में पाया जाता है जिनका शेप क्या होता है, इररेगुलर शेप होता है। यानी उन जंतुओं का आकार क्लियरली फिक्स नहीं होता है जिसके कारण यह ऐसा पाया जाता है। यह किसमें मेनली होता है, तो यह मेनली पाया जाता है स्पंज में, क्योंकि जो स्पंज की कॉलोनी होती है उसमें जो स्पंज होते हैं उनकी बॉडी साइज अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, जो शेप होता है वो बॉडी को इक्वल डिवाइड नहीं होने देता। दूसरी चीज हमारी होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अब फिर होता है रेडियल। टर्म ही बता रहा है कि कैसा होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। अगर कोई ऐसा हो कि किसी एनिमल बॉडी को हम मेन एक्सिस से अगर डिवाइड करें, यानी सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में, दो से अधिक पार्ट्स में, और सारे पार्ट क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। जैसे सपोज दैट अगर हम स्टारफिश एज एग्जाम्पल ले लें, स्टारफिश, अब सेंट्रल पार्ट से हम इसको दो से अधिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम क्या करें, दो से अधिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें और सारे पार्ट्स क्या हो, इक्वल हो, तो ये जो सिमेट्री हो गई एनिमल की वो क्या कहलाई, रेडियल सिमेट्री। अब फिर होता है कि क्वेश्चंस, यानी डिवाइड इंटू मेनी पार्ट्स, डिवाइड इंटू मेनी पार्ट्स एंड ऑल पार्ट्स आर इक्वल, और क्या हो, सभी पार्ट क्या हो, एक दूसरे के समान हो, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियल सिमेट्री। अब फिर होता है कि जो रेडियल सिमेट्री होती है ये किसमें पाई जाती है, तो नाइडेरियन, नाइडेरियन कॉमा स्टार फिश, ये ऐसे एनिमल है जिनमें क्या होती है, मेनली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और अगर पूछा जाए इसके अतिरिक्त, तो सी एनिमोन एक ऐसा एनिमल है जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। अगली होती है बाई लेटरल सिमेट्री। बाई लेटरल सिमेट्री, अब फिर क्वेश्चन होता है कि जो बाई लेटरल सिमेट्री है ये कौन सी है। टर्म ही बता रहा है बाई या और लेटरल। बाई मीन्स टू और लेटरल यानी लेटरली, सीधा सीधा। अगर हम एनिमल्स को क्या करें, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इस प्रकार की सिमेट्री क्या कहलाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। यानी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो, ओनली टू, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अगर बॉडी क्या हो, केवल दो पार्ट्स में डिवाइड हो, तो इस प्रकार की सिमेट्री क्या कहलाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। अब फिर क्वेश्चन होगा कि बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो किसमें पाई जाएगी, तो हमारा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये दो ऐसा ग्रुप है
फाइलम है जिसमें क्या होगा बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो समान भागों में हम क्या करते हैं शरीर को बांट सकते हैं। अब हमारा जो चौथा होता है फोर्थ नंबर, ये होता है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री अब फिर होता है ये क्या है, ऐसी सिमेट्री जिसमें क्या हो सिमेट्री इनफाइनाइट हो, यानी जो नंबर ऑफ एक्सिस है वो क्या हो अधिक हो, तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है। अब फिर ये पूछा जाएगा यह किसमें पाई जाएगी, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक ग्रुप होता है एनिमल्स का रोडी रेडियो लार्वा, रेडियो लार्वा, और दूसरा हेलिकोजोआ, हेलिकोजोआ। अगर पूछा जाए कि स्फेरिकल सिमेट्री कॉमनली किसमें ऑब्जर्व होती है, तो जब शब्द कॉमनली होगा तो यह ऑब्जर्व होगी किसमें, वॉल्वॉक्स में। सबसे कॉमन तौर से जो हमारी स्फेरिकल सिमेट्री ऑब्जर्व की जाती है वो किसमें, वॉल्वॉक्स में। वॉल्वॉक्स क्या है, वॉल्वॉक्स किंगडम प्लांटी का जो मेंबर होता है डिवीजन एल्गा, उस एल्गा का मेंबर है, या एक ग्रीन एल्गा होता है यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। तो ये हमारा हो गया क्या एनिमल बॉडी सिमेट्री, जो कितने पार्ट्स में है, चार पार्ट्स में। पहला ए सिमेट्री जिसमें सिमेट्री प्रॉपर सीन ना हो, दूसरा रेडियल सिमेट्री जिसमें क्या हो कई भाग में शरीर डिवाइड हो और सारे भाग क्या हो सेम हो इक्वली हो, दूसरा तीसरा जब शरीर दो ही भाग में इक्वली डिवाइड हो तो बाइलेटरल, और चौथा जब शरीर के लिए कई एक्सिस हो जाए तो इस प्रकार यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस बने तो क्या होता है स्फेरिकल सिमेट्री। अब अगली चीज देखते हैं जर्म लेयर, कि एनिमल बॉडी में जर्म लेयर क्या होता है और जर्म लेयर कैसे फॉर्म होता है, काम कैसे करता है। जर्म लेयर इम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जब हम जाते हैं तो इम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जो गैस्टुला स्टेज होता है, एक स्टेज होता है गैस्टुला, पहले आप वन सेल जायगोट बनाते हैं, जायगोट से वन सेल स्टेज से टू सेल स्टेज, टू से फोर सेल स्टेज, एट सेल स्टेज यानी ब्लास्टुला, और उसके बाद स्टेज आता है गैस्टुला। जो हमारा गैस्टुला स्टेज होता है यही स्टेज हमारा डिटरमाइन करता है कि फ्यूचर में बॉडी में कौन सा ऑर्गन किस सेल से बनने हैं या किस ग्रुप ऑफ सेल से बनने हैं। यानी जो गैस्टुला होता है ये क्या है, ये आपका ग्रुप ऑफ सेल्स माना जाता है, आप कह सकते हैं इसको ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का समूह होता है, और जो कोशिकाओं का समूह होता है यही लेयर पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है आगे चल करके ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, अंगों का निर्माण होता है। जो गैस्टुला स्टेज होते हैं या ठीक, इसमें जर्म लेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यानी जो जर्म लेयर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली कंडीशंस होती है कि जो एनिमल हो वो डिप्लोब्लास्टिक हो, डिप्लोब्लास्टिक। अब टर्म ही बता रहा है क्या, टर्म डाई, डाई या डिप्लोस, ठीक आप ऐसे समझ लीजिए, डिप्लोस मीन्स टू। दूसरा पार्ट क्या है ब्लास्टिक, ब्लास्टिक इन स्पोरुट यानी अंकुरण, जब शरीर क्या हो दो स्तरों के अंकुरण से या दो स्तरों के बनने से निर्मित होता है, तो इस प्रकार का जो एनिमल है वो क्या कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब जो दोनों लेयर हो क्या कहलाएंगे, बाहर की तरफ जो होगा वो कहलाएगा एक्टोडर्म। क्यों, क्योंकि टर्म एक्टो मीन्स होता है आउटर और डर्म मीन्स स्किन या लेयर, और दूसरा जो पार्ट होता है लेयर होता है वो कहलाता है इंडो डर्म। अब ये भी दो पार्ट्स टर्म है, इंडो मीन्स इनर और डर्म मीन्स स्किन या लेयर। यानी अगर हमारा गैस्ट्रा स्टेज क्या हो दो लेयर से बना हो, एक क्या हो एक्टोडर्म हो एक इंडोडर्म हो,
एक्टोडर्म कहा हो आउटर यानी बाहर की तरफ हो और एंडोडर्म कहा हो इनर यानी अंदर की तरफ हो, तो इस प्रकार से जो एनिमल बनेगा वो क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा। अब फिर होता है कि अच्छा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है उनके एग्जाम्पल क्या है, तो डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं ये आपके सबसे पहले पाए जाते हैं किसमें, नाइडेरियंस में। नाइडेरियंस एग्जाम्पल हाइड्रा। अब सेकेंड नंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहां टर्म आया क्या, ट्राइज, ट्राइज, ट्राइज मीन्स होता है ट्रिपल। फिर आता है ब्लास्टिक मीन्स स्पोर, यानी शरीर ऐसा हो जो एम्ब्रियोनिक टाइम में तीन लेयर के अंकुरण से बनता हो तो उस कंडीशंस में वह एनिमल क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाएगा। अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है अगर इसे बेसिकली हम देखते हैं तो क्या होगा, तीन लेयर से बना होगा। तीन लेयर कौन कौन से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और इंडोडर्म ये आपका क्लियर हो गया, ये बाहर का हो गया, ये अंदर का लेयर हो गया, और मीजो मीन्स होता है मिडिल, मिडिल मीन्स मध्य का, यानी शरीर तीन लेयर से बने और जो तीसरा लेयर हो वो क्या हो, मध्य का हो, यानी एक बाहर की तरफ हो एक्टोडर्म, मध्य में हो मीजोडर्म और अंदर हो क्या, इंडोडर्म। तो इस प्रकार की कंडीशंस में जो एनिमल बनते हैं वही एनिमल्स हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। इसका कॉमन जो एग्जांपल होता है, होते हैं वो जितने भी मेटाजोअन्स हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब हम बात करते हैं अगली सिगमेंटेशन की, बॉडी सिगमेंटेशन क्या, सिगमेंटेशन को हम खंडी भवन भी कहते हैं या खंडों से निर्मित शरीर भी कहते हैं। सिगमेंटेशन सबसे पहली चीज होती है कि अगर क्या हो, कई सेल्स जो है या छोटे छोटे सेल्स का एक ग्रुप बने यानी एक खंड बने और कई खंड क्या हो आपस में जुड़ करके एक मेन खंड बनाए यानी एक अंग बनाने लगे तो यही चीज क्या कहलाता है, सिगमेंटेशन कहलाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाता है मेटामेरिक सिगमेंटेशन, मेटामेरिक सिगमेंटेशन या मेटामर्स या मेटामर्स या सादा सिगमेंटेशन भी कहते हैं। तो सिगमेंटेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तीन, कितने नामों से जाना गया, तीन नामों से जाना गया। अगर फंक्शन के बेस पर देखें कि या फंक्शन के बेस पर कितने टाइप का होता है, तो फंक्शन के बेस पर जो हमारे सिगमेंटेशन होते हैं ये होते हैं थ्री टाइप के, थ्री टाइप के। पहला हमारा होता है अनसिगमेंटेड, अनसिगमेंटेड। दूसरा होता है नॉन सिगमेंटेड और तीसरा होता है मेटा मेरिक सिगमेंटेड। ठीक, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या आप इसे मेटामेरिक सिगमेंटेशन भी कहते हैं या मेटा मेरिक सिगमेंटेशन। अब अनसिगमेंटेड है पहले ही, अन यानी सिगमेंटेशन नहीं होगा यानी क्लियर है, सिगमेंट्स अनमेन एब्सेंट यानी क्या हो गया, सिगमेंट नॉट डिवाइड यानी क्या होंगे, सिगमेंट बटे हुए नहीं रहेंगे बल्कि एक दूसरे में ही मिक्स होंगे, क्लियर ऑब्जर्वेशन इनका नहीं होगा। ऐसे कौन से एनिमल है जो अनसिगमेंटेड है जिसमें सिगमेंट नहीं है, ऑर्गन क्लियर नहीं होता है बाहर से, तो पोलीफेरा, सीलेंटेटा और राउंड वर्म, राउंड वर्म।
ये ऐसा ऐसे एनिमल है जिसमें क्या होता है बॉडी सिगमेंटेड सेम नहीं होती, यानी बॉडी में सिगमेंट नहीं पाए जाते। अब फिर होता है कि नॉन सिगमेंटेड, यहां नॉन सिगमेंट है यानी सिगमेंट एब्सेंट नहीं होंगे, सिगमेंट पाए जाएंगे लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होंगे। यानी अगर बात करें तो न्यू सिगमेंट जो होंगे, न्यू सिगमेंट ये आगे की तरफ होंगे बॉडी में, और जो ओल्ड सिगमेंट होंगे, ओल्ड सिगमेंट होंगे ये पीछे की तरफ होंगे। दूसरी चीज, सारे सिगमेंट्स का एज अलग अलग होगा, सभी सिगमेंट ऐसा नहीं होगा कि एक साथ फॉर्म हो, धीरे धीरे सिगमेंट फॉर्म होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, इसीलिए क्या होगा सारे सिगमेंट्स जो होंगे वो डिफरेंट एज के होंगे। अगर एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटी हेलमेंथीज में आपने देखा होगा टीनिया सोलियम का नाम सुना होगा, तो टीनिया सोलियम की जो बॉडी होती है इस तरीके से आप देखते हैं उसकी बॉडी, तो क्या होता है कि बॉडी सेगमेंट जो अपर है नेक रीजन पर ये नए सेगमेंट बनते हैं और यहां क्या होते हैं सेगमेंट ज्यादा होते हैं, जबकि जो पीछे का पार्ट्स होता है ये ओल्ड सेगमेंट होता है। ये आपका अनमैच्योर प्रोग्लोटिड कहलाता है, ये मैच्योर प्रोग्लोटिड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड। यानी जो सेगमेंट होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, और नया वाला गर्दन की तरफ और लास्ट वाला लास्ट एंड की तरफ, तो इस तरीके से क्या होता है ये सभी अलग अलग एज के होते हैं और सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो अगर ऐसा हो कि सेगमेंट क्या हो नए सेगमेंट आगे की तरफ हो और ओल्ड सेगमेंट पीछे की तरफ हो, सबके फंक्शन अलग अलग हो, सबका एज अलग अलग हो, तो ऐसा जो सेगमेंटेशन होता है बॉडी सेगमेंटेशन वो क्या कहलाता है नॉन सेगमेंटेड बॉडी। अब अगर बात की जाए मेटामेरिक सेगमेंटेड या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो यह उन एनिमल्स में होता है जिसमें क्या होता है सभी सेगमेंट एक साथ फॉर्म होते हैं, सभी फंक्शन फ्री कर रहते हैं, यानी अपना फंक्शन प्रॉपर करते हैं, एक साथ करते हैं, और सभी फ्री अरेंज रहते हैं, यानी कोई किसी पर प्रेशराइज नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो सेगमेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब फिर होता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां पाया जाता है, तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये ऐसे एनिमल है जिनमें क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब फिर होता है कि एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन से फायदा क्या है, लाभ क्या है। अब ये चीज देखें, एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन, एडवांटेज ऑफ सेगमेंटेशन, तो सबसे पहली चीज होती है सेगमेंटेशन से फायदा क्या है। सबसे पहली चीज होता है कि सेगमेंटेशन जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, एलील्स को मूव करने के लिए, तो हेल्प इन मूवमेंट, यानी चलने में क्या करता है सहायता प्रदान करता है। दूसरी चीज होती है जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं ये हेल्प करते हैं आर्थ्रोपोडा में, किसके लिए न्यूट्रिशन के लिए, यानी पोषण प्राप्त करने के लिए। तीसरी चीज सेंसेशन के लिए, और चौथी चीज कि जो अपेंडेजेस होते हैं आर्थ्रोपोडा की कंडीशंस में उन अपेंडेजेस को प्रॉपर बैलेंस करने का काम, यानी प्रॉपर वर्क कराने का भी काम क्या होता है हमारे सेगमेंटेशंस का ही होता है। ओके, थैंक यू।